दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जीवन में सफल होना है तो दो मंत्र हमेशा याद रखना होगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने दर्जनों बुक्स पढ़ने का काम किया और उससे प्रेरित होकर जो मूल बातें सामने आई वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जीवन में सफल होना है और दुनिया में अपने आप को साबित करना है तो जीवन में आपको सफल होने के लिए संघर्ष करनी होगी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर दो, आप अपने आप को कभी नीचा न समझे, कभी फेल्योर न समझे, कभी हारा हुआ न समझे। आप अपने आप के आत्मबल को बढ़ाना है। जब तुम आप अपने आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करोगे, अपने आत्मबल को ऊंचा रखोगे तो हर कठिन से कठिन काम आसान लगने लगेगा। दोस्तों मेरी बात आप याद रखना, हर असफल व्यक्ति असफल इसलिए होते हैं, वो अपने आत्मबल को गिरा देते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात होती है, उन्हें सलाह ऐसे लोग देते हैं जो जीवन में सफल होने का प्रयास ही नहीं किया, और वो व्यक्ति सलाह देते हैं सफल होने की, और वो अपने नकारात्मक सोच को लोगों में डालने का प्रयास करता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने आत्मबल को ऊंचा रखो। अपने आत्मबल को ऊंचा रखोगे तो परमपिता परमेश्वर भी मजबूर होकर तुम्हें मदद करेंगे। जीवन में कभी हार मत मानो, कभी कोई काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है, बशर्ते आपका आत्मबल एकदम दृढ़ संकल्पित और मजबूत होना चाहिए। दोस्तों जब जब लोगों ने हारा तो अपने आत्मबल के कारण हारा, जब जब लोग सफल हुए तो उनके आत्मबल ऊंचे थे। दोस्तों दूसरी बात हमने आपको बताया, संघर्ष। अगर जीवन में सफल होना है तो निरंतर संघर्ष करना होगा, लगातार संघर्ष करना होगा। संघर्ष के गर्भ में ही सफलता पल रहा है। आप तब सफल होते हो जब आप कठोर मेहनत करते हो, संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार करते हो और संघर्ष करने से नहीं हिचकते हो। दोस्तों मैं आपको अपनी अनुभव बताता हूँ। हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, हमने कभी हार नहीं अपने जीवन में माना, हमने अपने जीवन में कभी आत्मबल को नीचा नहीं किया। मैं हमेशा अपने आत्मबल को ऊंचा रखा, मैं हमेशा संघर्ष करता रहा। संघर्ष और आत्मबल दो मंत्र को हमने हमेशा याद रखा, और मैं आज जिस मुकाम पर हूँ आप सब देख रहे हो। तो दोस्तों संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार करना सीखो, बीते बातों को याद करके, नकारात्मक लोगों से संपर्क करके, नकारात्मक लोगों के संसर्ग में मत रहना। दोस्तों हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसी कहावत आप सबों पर सटीक बैठ जाएगी। दोस्तों मन विचलित होता है, मन चंचल होता है, मन बहुत सारी बातों को सोचता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से हार जाओगे
तो आत्मबल गिर जाएगा, मन से जीत जाओगे तो आत्मबल बढ़ जाएगा। अगर दृढ़ संकल्प कर ली जाए, छात्र क्यों सफल होते हैं, इसलिए कि वो तय करता है कि मुझे इस मुकाम पे जाना है, वो तय करता है कि मुझे जितना संघर्ष करना हो मैं करूंगा, लेकिन मैं सफल होऊंगा। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आप रहें, सफल होना है तो संघर्ष करना होगा, आत्मबल को ऊंचा रखना होगा, बुरे लोगों से दूरी बनाना होगा, सकारात्मक सोच बनानी होगी, अच्छी विचार को अपने अंदर पैदा करना होगा, कभी हार न मानने का मंत्र याद रखना होगा, तो जीवन में सफल होगे। ये मैं लिख कर आपको सादे कागज में देने के लिए तैयार हूँ कि विवेकानंद यादव ने कहा, ये मंत्र को याद रखने से सफल होना ही होना है। हार मत मानना दोस्तों जीवन में। मैं अपने वीडियो में आपको हमेशा प्रेरणादायक बातें बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि आप मेरे वीडियो को देखें, छात्र देखें, महिलाएं देखें, लोग देखें और इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं प्रयास कर सकता हूँ, आपको खुद से बदलना होगा, आप में खुद सब पैदा करना होगा मेरी बातों को बताने के बाद। मैं आपके घर जाकर आपका उंगली पकड़ के नहीं बता सकता दोस्तों, आपको मैं प्रेरित कर सकता हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा कि नई नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।